गोरखपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 10 के नीचे आ रहे हैं। मंगलवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं लखनऊ में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,432 पहुँच गया है। इनमें 20,993 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 361 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 81 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मंगलवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में जिले के शहर की बात करें तो कैंट थाना क्षेत्र में एक और ग्रामीण क्षेत्र के भटहट, कौड़ीराम, चरगावा और पिपराइच में एक एक मरीज मिले हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।